यमुनानगर जिले में ठंड का कहर लगातार जारी है। जनवरी के महीने में भी ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर किया हुआ है। जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वैसे वैसे यमुनानगर में ठंड बढ़ रही है। कई दिनों से लगातार यहां लोग धूप को भी तरस रहे हैं। हालांकि लोग घरों में दुबक कर ठंड से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस ठंड ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि काफी समय से यहां के किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बारिश के बाद ही इस ठंड से निजात मिलेगी और फसलों का भी बचाव हो सकेगा। ये जो ठंड पड़ रही फसलों के लिए तो ये अच्छी है, इससे फसलों की जो है उत्पादनता बढ़ती है, लेकिन ये ज्यादा सूखी पड़ रही है। इसमें एक तो पानी की जरूरत रही, खेत फसल को पानी की जरूरत है, ये भी इस ठंड में पानी दिया नहीं जा रहा। ये अगर बरसात हो जा तो और अच्छा है, एक तो इसकी वृद्धि होगी फसलों में और इससे उत्पादनता बढ़ेगी। एक बरसात पड़ जाए अगर, उससे इस ठंड के प्रकोप से भी थोड़ी राहत मिलेगी और फसलों में वृद्धि होगी। वही कृषि अधिकारियों का कहना है कि सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। पाले से सब्जियों को नुकसान हो सकता है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए ये सर्दी फायदेमंद है। जिला यमुनानगर में मुख्यतः अब या तो गेहूं की फसल है, क्योंकि गन्ना की कटाई चल रही है, और या फिर सब्जियों का कुछ रकबा है। पॉपुलर वानिकी फसल पॉपुलर है, तो इनमें से ठंड के कारण केवल सब्जियों पर ही आंशिक असर पाया जा रहा है, और गेहूं की फसल किसान भाई चिंतित हो रहे होंगे कि भाई पीली पड़ रही है, लेकिन अगर आगामी 2-3 दिनों के बाद धूप पड़ जाती है तो फिर किसी उपचार की आवश्यकता नहीं रहेगी। धूप के कारण ये आंशिक जो असर है वो दूर हो जाएगा। हाँ, सब्जियों की देखभाल बहुत जरूरी है पाले से बचाने के लिए, नहीं तो सब्जियों पे असर आ सकता है। काबिले गौर है कि कई सालों बाद यमुनानगर में ठंड का ऐसा प्रकोप देखने को मिला है, जिससे आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कामकाज भी काफी प्रभावित हो रहा है। हालांकि सभी लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें मौसम खुलने की उम्मीद है। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।